ऋतिक रोशन और कंगना रनौत में बढ़ती नजदीकियां। तलाक के बाद से ही ऋतिक रोशन का नाम हसीनाओं से जुड़ने लगा है। ऋतिक को सिंगल पाते ही तितलियां उनके पास मंडराने लगी है। अब ऋतिक और कंगना रनौत के बीच नजदीकियां बढ़ने की खबर है और कहने वाले कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रति गंभीर हैं। ऋतिक के पिता राकेश रोशन भी चाहते हैं कि ऋतिक एक बार फिर घर बसाएं। किसके साथ? यह फैसला उन्होंने ऋतिक पर ही छोड़ दिया है। कंगना और ऋतिक की पहचान पुरानी है। काइट्स फिल्म में दोनों ने साथ काम किया था। फिल्म रिलीज होने के बाद कंगना नाराज हो गई क्योंकि उनके रोल पर इस कदर कैंची चलाई गई कि वह मेहमान कलाकार बनकर रह गई। कंगना की नाराजगी को ऋतिक ने अपनी गलती मानकर दूर किया। इसके बाद ऋतिक ने क्रिश 3 में कंगना को खलनायिका का किरदार सौंपा। कंगना ने भी बीती बातें भुला दी। तब से दोनों के बीच फिर दोस्ती हो गई। सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से ऋतिक और कंगना को लगातार साथ देखा जा रहा है। दोनों एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं, इसलिए खूब समय व्यतीत करते हैं। यह साथ कितना लंबा चलता है आने वाले दिनों में पता चलेगा। केजरीवाल को ऑफर हुआ था डर्टी पॉलिटिक्स में रोल। फिल्म निर्माता केसी बोकाड़िया ने अपनी फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक भूमिका का ऑफर दिया था, जिसे केजरीवाल ने व्यस्तता के चलते ठुकरा दिया। सूत्रों का कहना है कि बोकाड़िया ने ईमेल के जरिए केजरीवाल को फिल्म में एक पत्रकार की भूमिका निभाने का ऑफर दिया, जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। केजरीवाल ने यह कहकर रोल निभाने से मना कर दिया कि वे अपनी पार्टी के काम में व्यस्त हैं और रियल लाइफ में डर्टी पॉलिटिक्स का खात्मा करने में जुटे हुए हैं। बाद में यह रोल नसीरुद्दीन शाह ने निभाया। केसी बोकाड़िया द्वारा निर्मित फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स मार्च में रिलीज हो रही है। इसमें मल्लिका शेरावत, ओम पुरी, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर और आशुतोष राणा जैसे कलाकार नजर आएंगे।